मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बैतूल आमला की सीट छोड़ कांग्रेस ने सभी 229 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। सागर जिले में कैंडिडेट्स का चयन सुर्खियां बटोर रहा है। खास बात यह है कि यहां की 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस को महिलाओं पर भरोसा है। जिन 4 सीटों पर कांग्रेस ने 4 महिला उम्मीदवारों को उतारा, वहां बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में हैं। सागर सिटी विधानसभा से निधि जैन को अपने जेठ और बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन के विरोध में उतारा गया है। वहीं खुरई विधानसभा से रक्षा राजपूत को मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरोध में उतारने का बड़ा फैसला लिया गया। बीना विधानसभा से निर्मला सप्रे और रहली विधानसभा से इंजीनियर ज्योति पटेल को मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया। बता दें, कांग्रेस ने नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में पहले दिन जब पहली सूची जारी की, उस वक्त देवरी, बंडा, सुर्खी, नरयावाली व उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और इसमें से कुछ सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस में बगावत भी देखने को मिली। बंडा सीट से पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव न सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि जनता के बीच पहुंचकर ताकत के साथ निर्दलीय या किसी दल से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना नरयावली में भी करना पड़ा। यहां भी कांग्रेसियों का एक गुट प्रत्याशी चयन को लेकर नाराज है। बहरहाल, मध्य प्रदेश पिछले 20 वर्षों से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। केवल 2018 को छोड़कर, जब कांग्रेस ने 18 महीने के लिए सरकार बनाई थी, 2020 में कांग्रेस के 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बना ली। उसके बाद के 3 वर्षों में बीजेपी ने नए लोगों और पुरानी पार्टी नेताओं के बीच सत्ता के समीकरण को संतुलित करने की कोशिश की। अंतिम चरण में शिवराज चौहान ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना सहित कई घोषणाएं की। शिवराज चौहान महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए इस योजना पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं। हालांकि राज्य में सत्ता की चाबी MO यानी महिला और OBC वोटर्स के हाथ में है।